नमस्कार, अब मैं आपके सामने 18वां एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विशुद्ध भाव समर्पण वाली प्रस्तुति है। आगे एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ नौका द्वारा नदी पार कर रही थी। चूंकि नौका में नौका पार करने वालों की भीड़ ज्यादा हो गई थी, संत को बैठने को स्थान मिल गया, परंतु शिष्य को खड़े रहने भर की जगह मिली। थोड़ी देर बाद जब नौका लगभग नदी के मध्य आ गई, तो अचानक जोर का तूफान आने से नौका डामाडोल होने लगी, जिसके फलस्वरूप सारे यात्री जोर शोर से चिल्लाने भर होने लगे। लेकिन संत अपने कमंडल से शांत भाव से पानी भर नौका में डालने लगे। इसे देखकर शिष्य बोला, गुरुदेव, नौका डूबने की स्थिति में है और आप उसमें पानी भरकर और जल्दी डूबने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जवाब में गुरुदेव ने शिष्य की गर्दन पर छुरी रख दी, जिसको देखकर शिष्य हंसते हुए बोला, गुरुदेव, क्या लीला कर रहे हो, छुरी गर्दन पर क्यों रख रहे हो? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, आपको छुरी गर्दन पर रखने पर भी कोई भय क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरह मुझे भी भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि वह हमारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। उनकी इच्छा में ही मेरी इच्छा पूर्ण रूप समाहित है। इसीलिए उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए मैं नौका में जल डाल रहा था कि यदि भगवान को नौका डूबनी ही है तो मैं भी उनकी सहायता करूँ। थोड़ी देर में तूफान शांत होते ही संत का मंडल द्वारा नौका से पानी बाहर करने लगे। इस तरह सकुशल नौका किनारे गंतव्य स्थान पर सकुशल पहुंच गई। सबने सम्मिलित भाव से भगवान का धन्यवाद किया। एक बार बरसात का मौसम था, यही संत अपनी मस्ती में भगवान के ध्यान में झूमते हुए चले जा रहे थे कि सुबह सुबह एक हलवाई जलेबी बना रहा था और दूसरी कढ़ाई में दूध गर्म कर रहा था। जलेबी की खुशबू आने से संत अचानक रुक गए तथा खुशबू का आनंद लेने लगे। हलवाई ने उन्हें देखकर पास आने का इशारा किया और एक कप में दूध तथा दोनों में जलेबियां भरकर दे दी। संत बड़ी प्रसन्नता से सुबह सुबह दूध जलेबी का नाश्ता किया, भगवान को कृतज्ञता और हलवाई को आशीष देते हुए आगे अपनी धुन में फिर चल दिए। सड़क पर कहीं पानी मिलता तो पैरों से छपा करते हुए आनंद हो चले जा रहे थे। उनके पीछे एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ वार्ता करते हुए चल रहा था कि अचानक संत के बरसाती पानी में छपा करने से उसके साथ चल रही प्रेमिका के कपड़े कीचड़ से थोड़े से खराब हो गए। प्रेमिका युवक को देखकर संत पर नाराज होते हुए बोली, सामने चल रही उद्दंड को कुछ और नहीं कहते, मेरी पोशाक सारी कीचड़ में खराब कर दी। यह सुनकर युवक दौड़कर संत के निकट जाकर अचानक बहुत जोर का चांटा जड़ दिया, जिससे संत कीचड़ में गिर पड़े तथा आकाश की ओर मुँह कर भगवान को संबोधित करते हुए बोले, प्रभु, आपकी कैसी लीला है, कभी गरम गरम दूध जलेबी ही खिलाते हो, कभी गरम गरम चांटे। वाह प्रभु, और आगे बढ़ गई। युवक से कुछ भी नहीं कहा। आगे कुछ दूर जाकर युवक का घर आ गया और वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर कमरे का ताला खोलने पहुंचा ही था कि बरसात के कारण सीढ़ियों में फिसलन होने से युवक फिसल कर जमीन पर आ गया और सिर फटने से कुछ क्षण में ही उसकी मौत हो गई। साथ चल रहे अन्य लोग यह घटना आंखों से देखते आ रही थी। संत से बोले, बाबा, आपने इतनी सी बात पर उसे मृत्यु को श्राप दे दिया, यह तो ठीक नहीं किया आपने। जब संत ने उन लोगों से पूछा कि युवक ने मुझे किसने चांटा मारा था, तो लोगों ने कहा कि उसकी प्रेमिका के कपड़े आपकी वजह से खराब हो गए थे, इसलिए आप पर कुछ आ गया बस। तब संत ने कहा कि मैंने युवक के कपड़े तो खराब नहीं किए थे ना, जैसे युवक ने अपनी प्रेमिका के कपड़े खराब होने से मुझे चांटा मार कर कीचड़ में डाल दिया, उसी तरह मेरे प्रेम भगवान ने भी अपनी सामर्थ्य अनुसार उसका जवाब दिया। ऐसा बराबर नाराज अथवा श्राप मैं कभी भी
किसी भी परिस्थिति में नहीं देता, क्योंकि मेरा हिमायती भगवान हर क्षण हर पल मेरे साथ ही रहता है, मेरी रक्षा में। यह कहकर संत आगे बढ़ गए।